दोस्तों क्या होगा जब एक बंगाल टाइगर और ग्रिजली बियर की फाइट आपस में हो जाए, तो इस लड़ाई के अंदर कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्योंकि बंगाल टाइगर काफी खतरनाक और ताकतवर होते हैं, तो वहीं ग्रिजली बियर भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। हाँ, भले ग्रिजली बियर पूरी तरह मांसाहारी नहीं होते हैं, लेकिन खतरनाक होने के मामले में ये किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन क्या होगा जब एक ग्रिजली बियर और बंगाल टाइगर की फाइट हो जाए, तो यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या बंगाल टाइगर ग्रिजली बियर को आसानी से हरा देगा, या फिर ग्रिजली बियर बंगाल टाइगर पर पूरी तरह हावी हो जाएगा? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों से जुड़ी काफी सारी जानकारियाँ जानेंगे और अंत में ये भी पता करेंगे कि आखिर बंगाल टाइगर और ग्रिजली बियर में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिजली बियर की। दोस्तों ग्रिजली बियर उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे बड़े भालुओं की प्रजाति है और यहाँ पर इन्हें ग्रिजली बियर के अलावा भूरे भालू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि असल में ग्रिजली बियर पूरी तरह भूरे रंग के होते हैं। और बात करें ग्रिजली बियर के वैज्ञानिक नाम की, तो इनका वैज्ञानिक नाम उररस आर्कटोस है। दिखने में ये भालू काफी विशाल आकार के दिखाई पड़ते हैं और वास्तव में इनके शरीर के अंदर काफी ज्यादा ताकत होती है और मात्र ये अपने एक ही पंजे के वार से 500 किलो वजनी हिरण तक को आसानी से मार सकते हैं, जिससे इनकी ताकत का आसानी से पता लगाया जा सकता है। वैसे तो ये भालू वनस्पतियां और फल ही खाता है, लेकिन मौका पड़ने पर ये शिकार करने से भी नहीं चूकता है। अगर इनके साइज की बात करें तो ग्रिजली बियर 1 मीटर ऊंचे व 2 मीटर लंबे होते हैं। साथ ही इनका वजन 400 किलोग्राम के आसपास होता है, जिस कारण ये पोलर बियर के बाद दूसरे सबसे बड़े भालू भी है। वहीं बात करें इनके जबड़े की ताकत की, तो इनका जबड़ा भी काफी मजबूत होता है, क्योंकि ग्रिजली बियर अपने जबड़े की मदद से 1250 PSI का बल आसानी से लगा सकते हैं, जो कि शिकार को मारने के लिए काफी है। और अगर बात करें ग्रिजली बियर के दौड़ने की रफ्तार की, तो ग्रिजली बियर इतना भारी भरकम शरीर लेकर भी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ लेता है। तो यहाँ पर हमने ग्रिजली बियर के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और अब हम जानेंगे बंगाल टाइगर के बारे में। दोस्तों बंगाल टाइगर भारत के अंदर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनकी एक बड़ी तादाद सुंदरबन के अंदर पाई जाती है और यहाँ पर बंगाल टाइगर के संरक्षण के चलते इनकी संख्या लगातार बढ़ भी रही है। अगर इनके वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टिग्रिस होता है और बंगाल टाइगर भी साइबेरियन टाइगर के बाद दूसरे सबसे बड़े टाइगर है। दोस्तों बंगाल टाइगर काफी खतरनाक होता है, क्योंकि ये अकेला ही भारी भरकम जंगली भैंसों तक को मार देता है और इंडियन गोर जैसे खतरनाक और ताकतवर पशु को भी आसानी से मार डालता है, जिससे बंगाल टाइगर की ताकत का भी आसानी से पता चलता है। दोस्तों टाइगर की एक खास बात ये भी होती है, क्योंकि ये अपने दो पैरों पर खड़े होकर अपने आगे के पंजे से वार भी कर सकते हैं, जैसा कि ग्रिजली बियर कर सकता है। और बात करें बंगाल टाइगर के साइज की, तो बंगाल टाइगर ऊंचाई के मामले में 1.1 मीटर ऊंचे व लगभग 3 मीटर लंबे होते हैं। हालांकि इसके अंदर इनकी 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल होती है, जिसके सहित इनकी लंबाई 3 मीटर गिनी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये साइज के मामले में ग्रिजली बियर के बराबरी होते हैं, लेकिन जब वजन की बात आती है तो बंगाल टाइगर ग्रिजली बियर से आधे ही रह जाते हैं, क्योंकि जहां ग्रिजली बियर 400 किलोग्राम के आसपास भारी होते हैं, तो वहीं बंगाल टाइगर 220 से लेकर 240 किलोग्राम तक भारी होते हैं। और जब बाइट फोर्स की बात आती है, तो बंगाल टाइगर का बाइट फोर्स 1050 PSI के आसपास होता है, जो कि इनके जबड़े को और भी मजबूत बनाता है। हालांकि बंगाल टाइगर के केनाइन टूथ ग्रिजली बियर के मुकाबले काफी बड़े होते हैं, जिस कारण इनको यहाँ पर काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है। और आखिर में बात रफ्तार की करते हैं, तो यहाँ पर भी बंगाल टाइगर ग्रिजली बियर से आगे हैं, क्योंकि बंगाल टाइगर अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ सकता है। दोस्तों जब बंगाल टाइगर और ग्रिजली बियर की फाइट की बात आती है, तो इसके प्रमाण भी हमारे पास मौजूद है, जहाँ पर ग्रिजली बियर बंगाल टाइगर पर आसानी से भारी पड़ता दिखाई देता है और ग्रिजली बियर का गला घोटकर बंगाल टाइगर उसे मारने में असक्षम होता है। साथ ही बंगाल टाइगर के पंजों का वार भी ग्रिजली बियर पर बेअसर साबित होगा, क्योंकि ग्रिजली बियर के शरीर पर काफी लंबे लंबे बाल होते हैं,
लेकिन बंगाल टाइगर की खाल बहुत ही पतली होती है, जिस कारण ग्रिजली बियर का हमला ज्यादा प्रभावी होगा। और दोस्तों, एक जू के अंदर हुई फाइट के अंदर भी ग्रिजली बियर एक बंगाल टाइगर पर इस तरह भारी पड़ता है, जो कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा। इसलिए यहाँ पर फाइट के अंदर जीतने के चांसेस ज्यादा ग्रिजली बियर के ही होंगे। वैसे आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।